वसई अकबालपुर में बनाया गया आयुष्मान कार्ड, लोगों को मिलेगी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। पंचायत भवन वसई अकबालपुर में आज गुरुवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पंचायत भवन पर लोग पहुंचे, जहां समाचार लिखे जाने तक दर्जनों लोगों का कार्ड बनाया जा चुका था। आपको बता दें, देश के 12 करोड़ लोगों को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। ग्राम प्रधान मोहम्मद साले उर्फ सालेहीन ने बताया कि भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे सभी को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने गांव के लोगों का आह्वान किया कि जो पात्र व्यक्ति हैं तथा 6 यूनिट या इससे अधिक जिनका भी राशन कार्ड में नाम है और वो पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं, वो पंचायत भवन पर पहुंचकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गांव में 361 पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं। उन्होंने बताया 48 अंत्योदय कार्ड धारकों के अधिकांश आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील कुमार, मेवालाल, अबुल कलाम, अबू बकर, मोहम्मद सालिम, पंचायत सहायक सविता देवी, मंसूर अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हाँ बताइए, कैसा कैंप लगा है? ये कैंप नहीं, ये भारत सरकार की ये एक योजना है कि हर गरीब को, हर भारत के वासियों को, पहले ये अंत्योदय कार्ड पे था, अब ये पात गृहस्थी कार्ड पे, जितने कार्ड वाले हैं पात गृहस्थी के, 6 यूनिट से 6 यूनिट के ऊपर तक जितने इन सब लोगों का भारत आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए के एक साल में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। एक साल के लिए या एक साल परमानेंट चले गए? ये एक साल में 5 लाख रुपए का इलाज होता है। ये काफी दिनों से स्कीम चल रही थी, बहुत बेहतरीन स्कीम थी ये गरीबों के लिए, कि आम जनता के लिए इससे अच्छी कोई स्कीम मेरी समझ से नहीं, कि हर आदमी हर घर में परेशान है जी। ये हर जगह एक्सेप्ट होता है या कुछ खास अस्पताल है इसके लिए? ये तकरीबन मेरी जानकारी में जो बड़े अस्पताल हैं, जहां अच्छे इलाज होते हैं, वहां ये मतलब कि ये कार्ड आपको काम आता है। अच्छा, एक साल में 5 लाख रुपए का इलाज पूरे परिवार का कोई भी सदस्य करा सकता है? एक परिवार का 5 लाख रुपए जी, माने जिसका राशन कार्ड में नाम होगा जी। ये कब तक चलेगी बनाने की प्रक्रिया? अभी जैसे हम लोगों को ये मालूम हुआ कि अभी 6 यूनिट से अब जितने हैं उनका बनाना है, फिर 5 यूनिट से ऊपर, फिर 4 यूनिट से, अभी सरकार की कब तक चली, बहुत दिनों के बाद ये स्कीम मतलब चालू हुई है और काफी लोगों को काफी दिनों इसका इंतजार था। सरकार की ये योजना गरीब जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है, इसके लिए मैं सरकार और का ये जो कदम है बहुत सराहनीय काम है। कितना यूनिट अब तक बन चुका है? अभी तो बनना चालू हुआ है, 4 यूनिट अभी बना हुआ है, क्योंकि ये काम बहुत तेजी से चल रहा है तो सर्वर डाउन हो जा रहा है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसलिए सर्वर डाउन की वजह से नहीं बन पा रहा है। मैंने नेटवर्क की समस्या आ गया है। कितने बजे आप लोग आ जाते हैं यहाँ? 7 बजे हम आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु कहाँ से आते हैं? वसई। अच्छा, तो नेटवर्क की वजह से परेशानी हो रही है? नेटवर्क जैसे सर को काम करते हैं, धीरे सर्वर थोड़ा स्लो होता है, वरना सुबह सुबह थोड़ा अच्छा चलता है, थोड़ा लेट होता है, 10 बजे के बाद स्लो हो जाती है। तो लोगों को क्या सलाह देंगे कि कितने बजे आवे कि लोगों का आसानी से बन जाए? लोग तो जो हमारे जिनका राशन कार्ड जो पात्र हैं वो सुबह 7 बजे से आ सकते हैं तो बनवा सकते हैं, सबका बन सकता है जो पात्र हैं। चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।